आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी केक, तो चलिए फिर इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 बड़े पैकेट हैप्पी हैप्पी बिस्किट के लेंगे। अब हम बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े कर जार में डाल देंगे और उनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट का फाइन पाउडर बनाने के बाद हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब बाउल में निकालने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम रूम टेम्परेचर का दूध लेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा करके अपने मिक्सचर में डालेंगे। हमारा बैटर कुछ इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम कढ़ाई में डालेंगे नमक और छोटी प्लेट रख देंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन जिसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और उसे अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे। अब हम केक के बैटर को बर्तन में डाल देंगे। अब जो हमारी प्री हीटेड कढ़ाई है उसमें हम अपने केक को रख देंगे और 25 मिनट तक बेक होने देंगे। और अगर उसके बाद भी आपका केक सही से बेक ना हो तो आप उसे 5 मिनट और पकाएं। अब हम केक के अंदर स्टिक डालेंगे। हमारी स्टिक एकदम साफ आई है तो हमारा ये सॉफ्ट सॉफ्ट केक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 5 बड़े चम्मच हर्से सिरप डालेंगे और अगर आपके पास हर्से सिरप अवेलेबल ना हो तो आप चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं। अब हम अपनी हर्से सिरप को पूरे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम केक के ऊपर फ्लावर्स लगाएंगे। ये फ्लावर्स होममेड है, इसकी रेसिपी हम जल्दी अपलोड करेंगे। उसके बाद हम 2 किटकैट लगा देंगे, 2 लिटिल हर्ट बिस्किट लगा देंगे, थोड़ी सी जेम्स लगा देंगे और आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा बिना ओवन के केक बनके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना।